उत्तर प्रदेश में सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से हत्या, लूट, गैंगरेप, चोरी, डकैती जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है और बेखौफ बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला गोंडा का है, जहां दो दरिंदों ने एक दलित नाबालिग को नशीला पदार्थ सुंघाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए इस पूरी वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर डाला। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। पूजन मौर्य, विवेक वर्मा, ये लोग हम लेटरिंग गए, कल स्प्रे छिड़क के गलत काम के 24 तारीख के, फिर 26 तारीख के धमकी दी कि कल पुलिस बताइबो तो हम हमारी वीडियो जान से खत्म कर दियो, और फिर 27 के वीडियो दिखावे लगे, हमारा अम्मा गई पूछे तो उनका मारी। कितने लोगों ने आपके साथ गलत काम किया है? कल शिव पूजन मौर्य, विवेक वर्मा, दिनांक 15/6/19 को एक खानेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री के साथ बलात्कार की घटना हुई है। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां मामा ने अपने साथियों के साथ भांजी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जिले के बांसी कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग ननिहाल में सिलाई सीखने आई थी, जहां मामा ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए भांजी को बियर पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हम लेके गए थे मामा हमारे, तो मुझे नींद के गोली खिलाए और हम कगानी सोए गए, और कगानी 3 बियर हम मुझको पिलाए, बियर पिला के कगानी हमें एकदम सुला दिए, तो हमें होश आया, तो हम ताके देखे हमारे कपड़ा पूरा उघाड़े थे, हमारे साथ बलात्कार करे। महोबा में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। मामला थाना अजनर के गुड़ा गांव का है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह लगभग 11:30 की बात है, थाना क्षेत्र अजनर के ग्राम गुढ़ा में एक लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग थे धर्मजीत राजपूत, इनके पुत्र ने ही इनको कुल्हाड़ी से मार करके इनकी हत्या कर दी है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, पोस्टमार्टम पंचायतनामे में कार्रवाई हो चुकी है और मुलजिम भी अतिशीघ्र गिरफ्त में है, विधिक कार्रवाई की जाए। देखिए जो भी घटनाएं आई हैं उस पर परसों जो हत्या हुई थी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है कल ही। आज एक घटना हुई है, इसका भी मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामला मनियर थाना क्षेत्र के मनियर कस्बे का है, जहां खेत में सागौन का पौधा लगा हुआ था। उसी खेत से कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे, जिसका खेत मालिक ने विरोध किया तो नौबत मारपीट तक आ पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोगों ने मारपीट कर खेत के मालिक को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना मनियर क्षेत्र में खेजरी मोड़ के पास की घटना है, मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक अजय सिंह यहां पर आए थे मजरूर की हालत में, तो उनकी डेथ हो गई है और इसमें विधिक कार्रवाई की गई है, जो भी आरोपी है। सर, क्या कारण है कि मारपीट हुई थी, क्या मामला है? इनमें जो है विवाद हुआ था, उसकी वजह घटना है। मिर्जापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला देहात कोतवाली इलाके के बिसुंदपुर गांव का है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र के मैनेजर को गोली मारकर करीब 2.5 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल को मंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। देखिए, इस संबंध में सीओ सुधर मौके पर गए थे, मैं भी गया था। विजय कुमार सनाफ शंकरलाल नौवा के रहने वाले हैं, SBI कस्टमर सेंटर पर आ रहे थे, पिपराडाड़ वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहीं पर जो है, दो ये भी मोटरसाइकिल से आ रहे थे, इधर से भी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, ये लोग झापड़ मारे गिर गए और इनको चोट लगी। गोली चलने की बात वहां पर किसी ने नहीं बताया है, न लूट की घटना पर डॉक्टर ने भी बताया है, सीओ सदर साहब डॉक्टर अस्पताल में मैंने भेजा था, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये गोली
घटना नहीं है। लूट भी नहीं हुई उसके साथ? नहीं, लूट वहाँ पर जो बताया लूट की बात नहीं बताई गई है, लोगों से पूछताछ की गई। जाँच हो रही है तहरीर? इसकी जाँच हो रही है, जो भी विधिक कार्रवाई, जो भी विस्तृत विवरण बाद में बताया गया। मिर्जापुर में बिजली विभाग के कार्यालय में घुसकर जेई के साथ पूर्व प्रधान और उनके समर्थकों ने मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं जेई ने मामले में कार्यवाही को लेकर शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया और कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने जेई की तहरीर पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये बिजली विभाग के कार्यालय में प्रधान है, वो लोग आए थे और बिजली कर्मियों से दुर्व्यवहार किया, कुछ मारपीट की भी शिकायत हुई, तो मुकदमा लिख के उनके कार्रवाई की जा रही है, अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर के बिंदकी मंडी समिति में तैनात क्षेत्रीय विपणन अधिकारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि पुलिस को अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृत विपणन अधिकारी के परिजनों को सूचना दे दी गई है। श्री अशोक कुमार, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी बिंदकी फतेहपुर, जिनकी उम्र लगभग 54 वर्ष थी, आज अपने कमरे में लगभग 5:30 बजे मृत पाए गए हैं। मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं है। उनके मृत्यु के संबंध में उनके घर इलाहाबाद सूचना भेजवा दी गई है। मृत्यु का सही कारण ज्ञात करने के लिए पीएम कराया जा रहा है। वहीं इन सबके बीच मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र की पुलिस को सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने लूट का माल खरीदने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से लूट का सामान सहित 2 देशी तमंचों को भी जब्त किया है। बता दें कि शातिर अभियुक्तों पर लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस उनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है और 4 आरोपियों को कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। जनपद में लूट की कई घटनाएं हुई, इस पर थोड़ा पुलिस संजीदा होकर इस पर काम कर रही थी। थाना करहल पुलिस को एक टिप ऑफ मिला, जिसकी उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक शातिर लुटेरों का गैंग पकड़ा। इस पर 2 शातिर लुटेरे पकड़े गए, इनका एक साथी भागने फरार हो गया। इनके साथ इनकी जानकारी पे 2 सुराग भी पकड़े गए, जिन्होंने लूट के माल काफ़ी परचेज किए हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी घटनाएँ कबूल की हैं और इनका कार्य क्षेत्र मतलब बहुत विस्तृत है, आगरा से लेकर कानपुर देहात तक और फरुखाबाद से लेकर इटावा तक का पूरा इलाका ये इनकी मार सीमा में आ रहा था। इसमें पुलिस ने रिकवरी भी की है, इसमें कुछ जेवरात मिले हैं, कुछ कैश मिला है, असलहे मिले हुए हैं और इनके अन्य साथियों का भी हम तलाश कर रहे हैं। गोरखपुर में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने कुछ दिन पहले लूटे गए एक सुपारी से लदे ट्रक को पकड़ा, जिसमें सुपारी की 200 बोरियां रखी हुई थी। साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ी गई सुपारी की कीमत करीब 48 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने कार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। 27 मई को 2 ट्रकों में सुपारी भरी हुई ट्रकें जो हैं, वो एक बड़लगंज थाने में वाकया हुआ था, जिसमें 2 ट्रकें गायब हो गई थी और उसकी विवेचना में आज हमने 2 ट्रकें तो बाद में हमें खाली बरामद हो गई थी और प्लस आज लगभग एक ट्रक के बराबर माल बरामद हो गया, जिसकी कीमत लगभग 48 लाख रुपए है और इसमें 2 लोगों को अरेस्टिंग हो गई है। मामले का लगभग पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है, उसमें पहचान हो चुकी कौन कौन लोग शामिल थे। बाकी लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी रहेगी और अभी जो आगे की कार्रवाई है, एक ट्रक और अभी माल बरामद होना बाकी है, उसको भी हम लोग कर लेंगे जल्दी। वहीं मैनपुरी में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां पुलिस ने खेत में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री में छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने 115 बोर के 3 अवैध असले, देशी तमंचे, कारतूस सहित शस्त्र बनाने के उपकरण को बरामद किया। नकद वेवर में एक शस्त्र की सूचना मिली थी, जिसमें थाना प्रभारी पौप सिंह और चौकी प्रभारी अभिमन्यु सिंह वहाँ गए थे, जिसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और कुछ अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। शस्त्र फैक्ट्री का पूरा सामान बरामद हुआ है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी 2 फरार हो गए हैं, गिरफ्तारी प्रयास चल रहा है। ये कितने दिन से ये काम कर रहे थे? ये बताया जा रहा है कि 5-6 महीने से काम चल रहा था इनका, और सूचना कल प्राप्त हुई थी। वहीं गाजियाबाद में लोनी पुलिस ने जुबेर हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयोग किया गया असला भी बरामद किया है। लगभग 2 बजे की लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की घटना है।
इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम जुबैर था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो FIR पंजीकृत होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला उसमें कि अनुज नाम के दो लड़के, उनमें से एक लड़का कांटे पे काम करता था जहाँ ये घटना हुई उसके पास, तो इनके बीच में विवाद हुआ स्कूटी को लेके। ये जुबैर और जुबैर के दोनों भाई स्कूटी लेकर आ रहे थे, इनसे टकरा गए तो उसके बीच में विवाद हुआ। विवाद में दोनों के बीच में छोटा झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान इसने जुबैर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोरखपुर में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मामला जिले के चिलौताल थाना का है, जहां के मजनून चौकी के बुढ़िया बारी के पास राप्ती नदी के सुरघना अतरौलिया घाट पर एक युवक नहाने के दौरान डूब गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार युवक का नाम नवीन यादव बताया जा रहा है। युवक 3 दिन पहले अपने ननिहाल बुढ़िया बारी में आया हुआ था। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। फरुखाबाद के शमसाबाद में भी गंगा नहाने आई महिला अपनी बेटियों के साथ गंगा में डूब गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 24 घंटे के बाद महिला के शव को बरामद किया, जबकि उसकी दोनों बेटियों की तलाश जारी है। घटना हम लोगों के भी संज्ञान में आज सुबह 8 बजे के लगभग आई है, जबकि बताया जा रहा है कि कल 17 जून की सुबह 9-10 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें ये गांव कैलेहाई थाना शमसाबाद की रामकली पत्नी कृष्णपाल अपनी दो अविवाहित पुत्रियों के साथ यहाँ आई गंगा तट पर। वो बताया ये जा रहा है कि नहाने के लिए उसमें उतरी, उनके डूबने से मृत्यु हो गई। लेकिन चूँकि घटना का जो जानकारी है वो काफ़ी देर से हम लोगों को मिली है, रामकली की डेड बॉडी प्राप्त हो गई है, लेकिन जो लड़कियों को जो है मृत शरीर को भी वो तलाशा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।